नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी में। मैं हूं आनंद कुमार और आज के इस लेक्चर में हम जुलाई महीने का नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर एनालिसिस करने वाले हैं। जुलाई महीने में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उन सबको यहाँ आज हम देखने वाले हैं। एक बात और कि इसके बाद इस महीने से आपका जो वीकली सीरीज चला करता था नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर का, वापस से रिज्यूम हो रहा है। और इसके बाद आपका बच जाता है सिर्फ अगस्त महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उसे भी हम एक वीडियो में कवर कर लेंगे। लेकिन इस महीने से सितंबर से वीकली जो हमारा सीरीज था वापस से हम रिज्यूम कर देंगे। ठीक, इसके अलावा इस लेक्चर का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कहाँ मिलता है? वो मिलता है आपको टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल से अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन किया हुआ है या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, तो जहां से आपको सुविधा मिले वहां से जाकर आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। पीडीएफ बहुत जरूरी होता है क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो जिसके लिए आपको पीडीएफ रखना चाहिए। ठीक, चलिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा रेगुलर करंट अफेयर से अपडेटेड रहने के लिए, और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर भी आप कर सकते हैं। शुरू करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है हमारा टोक्यो ओलंपिक 2020। हालांकि कोविड-19 की वजह से इसका आयोजन 2020 में नहीं हो पाया, इसका आयोजन 2021 में हुआ। तो टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो सब हम यहां देखने वाले हैं। ये जो टेबल है हो सकता है आपको यहां पर विजिबल ना हो, इसके लिए आप पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। हालांकि यहां पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जरूर पीडीएफ में आपको सारी चीजें वहां क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो टोक्यो ओलंपिक का आयोजन कहां हुआ? तो जापान में हुआ। कौन से देश में हुआ यह पूछा जा सकता है। 32वां संस्करण ओलंपिक का कहां आयोजित किया गया? तो जवाब होगा इसका जापान में। तो टोक्यो में इसका आयोजन हुआ। कब से कब तक हुआ? 23 अगस्त से 8 अगस्त। कौन सा संस्करण था? तो 32वां संस्करण था। शुभंकर क्या था? तो मिराई तोबा इसका शुभंकर था। आदर्श वाक्य इस ओलंपिक का, टोक्यो ओलंपिक का क्या था? यूनाइटेड बाई इमोशन इसका आदर्श वाक्य था। लोगों में छल्ले किस प्रकार से थे? तो 5 छल्ले इसमें थे। टोटल कितने देश इसमें पार्टिसिपेट करने वाले थे? तो 206 देशों ने पार्टिसिपेट किया। स्टेडियम का नाम क्या था? तो न्यू नेशनल स्टेडियम इस स्टेडियम का नाम था जहां पर टोक्यो ओलंपिक का आयोजन किया गया। मसाल, तो मसाल था सपुरा। इसके अलावा 2020 का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो 2020 का पहला स्वर्ण पदक जो जीता उसका नाम है यांग कियान, जो कि चीन ने पहला स्वर्ण पदक जीता था। इस ओलंपिक एसोसिएशन के बारे में भी आपको कुछ याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ल्यूशाने स्विट्जरलैंड में स्थित है, इसका यहाँ हेडक्वार्टर है। वर्तमान अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कौन है? तो थॉमस बाक इसके वर्तमान प्रेसिडेंट है, इसके बारे में भी याद रखिएगा। ओलंपिक का आधिकारिक भाषा क्या है? तो ओलंपिक का दो आधिकारिक भाषा है, एक है आपका अंग्रेजी और दूसरा है आपका फ्रेंच। इसके अलावा आपको टॉप रैंकर को भी याद रखना है कि कौन से देश ने सबसे ज्यादा मेडल जीता। तो पहले नंबर पे है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, इसने 39 गोल्ड, 41 रजत पदक और इसके अलावा 33 कांस्य पदक, और कुल पदक की संख्या जो है वो हो जाती है 113। इसके बाद यहां पर चीन ने कितना पदक जीता, जापान ने कितना पदक जीता, ग्रेट ब्रिटेन ने कितना जीता, इसके अलावा भारत ने कितना पदक जीता ये भी आपको याद रखना है। तो भारत ने टोटल 7 पदक जीता और भारत का पोजीशन कौन सा था? तो भारत का पोजीशन था 48। तो फर्स्ट रैंकर, सेकंड, थर्ड कम से कम याद रखिएगा, भारत की रैंकिंग याद रखिएगा। 2024 का ओलंपिक कहां आयोजित किया जाएगा ये भी आपको याद रखना है। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में 2024 का जो 33वां संस्करण होगा ओलंपिक का वो आयोजित किया जाएगा। ठीक, टोक्यो ओलंपिक में भारत से रिलेटेड कुछ यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी देख लेते हैं। तो भारत ने कुल कितना पदक जीता? जैसे मैंने अभी आपको बताया 7। भारत का पोजीशन याद रखिएगा 48। उद्घाटन में ध्वजा वाहक किसने किया, यानी कि फ्लैग किसने उठाया? तो वो है मैरी कॉम व मनप्रीत सिंह। समापन ध्वजा वाहक कौन थे? तो बजरंग पुनिया ने। और पहला पदक इस ओलंपिक में किसने जीता भारत की तरफ से? तो मीरा बाई चांग, वेट लिफ्टिंग में इन्होंने पहला पदक जीता। और पहला स्वर्ण पदक इस ओलंपिक में किसने जीता? तो नीरज चोपड़ा ने जीता। इसके आगे कुछ और अदर पॉइंट्स भी हम यहां पर देख लेते हैं। जितने भी पॉइंट्स यहां पर मैंने बताया सारे पॉइंट्स से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कहीं से भी, तो इसीलिए रेडी रहिएगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ना एक क्वेश्चन यहां से आपसे पूछा जा सकता है। तो भारत के जितने भी एथलीट थे कौन कौन से कैटेगरी में, कौन कौन से खेल में किसने मेडल जीता, सबसे पहले हम यहां पर वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला नाम आता है नीरज चोपड़ा का। नीरज चोपड़ा ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जेवलिन थ्रो में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा नीरज चोपड़ा से रिलेटेड। पहला, ट्रैक एंड फील्ड पर ये पहले भारतीय एथलीट हैं जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है।
दूसरा पॉइंट, इंडिविजुअल में ये दूसरे भारतीय हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है ओलंपिक में। पहले भारतीय कौन है? तो पहले भारतीय हैं 2008 में बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, नाम है अभिनव बिंद्रा। तो जेवलिन थ्रो में इन्होंने कितना मीटर जो है जेवलिन फेंका, यानी कि भाला फेंका, तो इन्होंने फेंका 87.58 मीटर जेवलिन थ्रो, यानी कि भाला फेंककर इन्होंने गोल्ड मेडल जो है वो जीता है। तो ये बात हो गई नीरज चोपड़ा से रिलेटेड। दूसरे नंबर पे आते हैं हम मीराबाई चानू। मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में 49 किलो कैटेगरी में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है वुमेन्स में। इसके बाद आ जाते हैं कौन? रवि दहिया, रवि कुमार दहिया, इन्होंने भी क्या जीता? सिल्वर मेडल जीता है। कौन से कैटेगरी में? तो 57 किलो कैटेगरी में, यानी कि रेसलिंग में का 57 किलो कैटेगरी में इन्होंने जो है कौन सा मेडल जीता? सिल्वर मेडल जीता। हर किसी के बारे में आपको यहां पर याद रखना बहुत जरूरी है। इसके बाद आ जाती है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने कौन सा मेडल जीता? ब्रॉन्ज मेडल जीता। किस खेल में जीता? बैडमिंटन में जीता। एकल बैडमिंटन यानी कि सिंगल बैडमिंटन वुमेन कैटेगरी में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसके बाद आ जाती है लोवलीना, इन्होंने भी बॉक्सिंग में जो है ये क्या जीती है? ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, इनके बारे में भी आपको याद रखना होगा। इनका कैटेगरी कितने किलो का था? तो ये था 69 किलो। वुमेन बॉक्सिंग में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसके बाद आ जाते हैं बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया भी रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने भी जीता है। कितना किलो कैटेगरी में? तो ये 65 केजी कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने भी जीता। इसके बाद आ जाता है भारतीय हॉकी टीम, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और 41 साल के बाद भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कोई मेडल जीता है। इससे पहले 1980 में भारतीय हॉकी टीम ने क्या जीता था? गोल्ड जीता था। उसके बाद 41 साल के बाद भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, यह भी आपको ध्यान रखना होगा। एक बात और ध्यान रखिएगा कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो भारत सरकार की तरफ से दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल पदक है, उसका नाम बदलकर हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के नाम पर कर दिया गया है। यानी कि अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा इसी नाम से। तो इतने पॉइंट्स को याद रखिएगा, ओलंपिक से रिलेटेड जितने भी यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इन सबको हम यहां एनालिसिस कर चुके हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आपसे ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो लगभग आसपास यहीं पर होगा। ठीक, चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। ये है हमारा भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक महीने का प्रेसिडेंट बना, और पहली बार भारत जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्षता भारत द्वारा किया गया। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का भारत अध्यक्ष कौन से महीने में बना, ये याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपका अगस्त 2021 का ये महीना था जिसमें भारत जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष बना। ठीक, चलिए सुरक्षा परिषद में अभी, यानी कि इस सिक्योरिटी काउंसिल में भारत जो है वो अभी अस्थायी सदस्य के तौर पर कार्य कर रहा है, और भारत का यह जो सदस्यता है वो 2021 और 22 के लिए है, यानी कि भारत अभी 2 साल के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर है। भारत ने जनवरी 2021 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में इन्होंने सदस्यता ग्रहण की थी। इसका 2 साल का कार्य है और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत का यह 8वां कार्यकाल है, यानी कि भारत नॉन परमानेंट मेंबर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का 8 बार रह चुका है। इससे पहले पहले कब कब रहा है, यहां पर सारी चीजें इस इमेज में आप देख सकते हो कि कौन कौन से साल में भारत जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर रहा है। इसके बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से रिलेटेड कुछ और यहां पर हम पॉइंट्स देख लेते हैं। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन का चार्टर का जो आर्टिकल 23 है उसके तहत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की संरचना से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया हुआ है। यह भी आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है यूनाइटेड नेशन के जो 6 मेन ऑर्गन्स है उसका एक पार्ट है। तो इसके अलावा 5 और कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशन के, वो भी देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा भी कहा जाता है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और द सेक्रेटरिएट, ये यूनाइटेड नेशन के
छह जो मेन ऑर्गन्स हैं वो आपको यहां पर है। इसमें से एक क्वेश्चन का जवाब आप ये दीजिएगा कि इस छह में से कौन सा एक ऐसा काउंसिल है जो वर्तमान समय में सस्पेंडेड है। इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। अब यहां पर एक बात और भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कुल कितने सदस्य होते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कुल 15 सदस्य होते हैं, जो 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी यानी कि नॉन परमानेंट होते हैं। 5 स्थायी सदस्य का नाम आप हमेशा याद रखिएगा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन, ये इसके 5 स्थायी सदस्य हैं। मुख्यालय कहाँ है यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, तो हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क में। अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पर अगर हम ब्रीफ में डिस्कस करें तो एक लेक्चर इसके लिए चाहिएगा। हालांकि हम यहाँ पर पूरा ब्रीफ में डिस्कस नहीं करें, जितना न्यूज में और जितना इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपके लिए वन डे एग्जाम में हो सकता है उतना हम डिस्कस कर रहे हैं। बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, जैसे क्या भारत को परमानेंट मेंबरशिप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मिलना चाहिए, और अगर नहीं मिल रहा है तो किन वजहों से नहीं मिल रहा है। भारत का रोल किस प्रकार से हो सकता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर 2 साल का ये नॉन परमानेंट मेंबरशिप भारत को मिला है, तो 1 महीने का अध्यक्षता भारत को मिला तो उसके लिए क्या महत्व है, इस पर भी चर्चा हम कभी जरूर करेंगे। लेकिन फिलहाल इस टॉपिक में इतना ही, ठीक। चलिए, हाँ एक बात और याद रखिएगा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का काम क्या होता है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का होता है दुनिया में, अब इसका मुख्य उद्देश्य हम देखें तो दुनिया में शांति स्थापित कराना होता है। अगर 2 देशों के बीच में झगड़ा हो रहा है या किसी बात पे विवाद होता है तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का ये काम है कि उस विवाद को सुलझाए, आतंकवाद जैसे मुद्दे और जितने भी बड़े बड़े मुद्दे हैं उस पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कार्य करता है, ठीक। चलिए, इसके बाद अगले टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। तो इसरो नासा का संयुक्त मिशन लॉन्च किया जाना है कब, 2023 में, यानी कि इसरो और नासा। इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है और नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, दोनों मिलकर एक साथ एक मिशन लॉन्च करने वाले हैं और इस मिशन का नाम है निसार। ये कब लॉन्च किया जाएगा, ये लॉन्च किया जाएगा आपका 2023 में। निसार का मतलब क्या है, निसार एक तरह से आप यहां पर देखो एन से आ जाता है नासा, आई से इसरो और एस से यहां पर सिंथेटिक, ए से आ जाता है एपरेचर और आर से आ जाता है रडार। ये होता है निसार का फुल फॉर्म, ठीक। तो यह जो निसार उपग्रह है एक साथ लॉन्च करेगा इसरो और नासा मिलकर, जिसका उद्देश्य है विश्व स्तर पर पृथ्वी की सतह में परिवर्तन को मापना है, यानी कि जो अर्थ का सर्फेस है वो किस प्रकार से चेंज हो रहा है इसको एक्यूरेट, और किस प्रकार से चेंजेस हो सकते हैं इस पर एनालिसिस करना है। और यह एक डुअल बैंड एल बैंड और एस बैंड रडार इमेजिंग मिशन है। इस मिशन को अप्रूवल कब दिया गया था, 2015 में, जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे, बराक ओबामा, वो भारत की यात्रा पे आए थे और उसी यात्रा के दौरान ये फैसला लिया गया था कि भारत और अमेरिका एक साथ यानी कि नासा और इसरो मिलकर क्या सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। इसके अलावा आपको यह भी याद रखना है नासा के बारे में भी और इसरो के बारे में भी। तो इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा नासा के बारे में भी आपको याद रखना है, तो नासा का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा का फुल फॉर्म है। नासा को स्टैब्लिश कब किया गया यह भी याद रखिएगा, 1958 में नासा को स्टैब्लिश किया गया, अमेरिकी अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, इसके बाद हम यहां पर इसरो के बारे में भी जानते हैं। इसरो के बारे में भी आपको याद रखना होगा, इसको स्टैब्लिश कब किया गया, तो 1969 में किया गया। इसरो का फुल फॉर्म क्या है, तो इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है, इसके बारे में भी याद रखिएगा। हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है। यह भी याद रखिएगा कि इसे एस्टैब्लिश किसे किया गया था, तो साराभाई, विक्रम साराभाई के प्रयासों से, पंडित जवाहरलाल नेहरू और विक्रम भाई सारा के प्रयासों से इसे एस्टैब्लिश किया गया था। और ये जो है सीधा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को रिपोर्ट करता है, स्पेस डिपार्टमेंट जो है वो सीधा पीएमओ के अंडर में होता है, यानी कि किसी मीडिएटर की इसको जरूरत नहीं है, सीधा प्रधानमंत्री ऑफिस को रिपोर्ट कर सकता है, ठीक। तो इसरो के बारे में इतने पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट हैं जिसे आपको याद रखना चाहिए, जैसे जापान का स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, तो जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है जाक्सा, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा और क्या आपको याद रखना है, चाइना की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, चाइना की स्पेस एजेंसी को SNS कहा जाता है। और इसके अलावा और कौन सी स्पेस एजेंसी के बारे में आपको याद रखना है, रशिया की स्पेस एजेंसी को क्या कहते हैं, रोसकॉसमोस, ठीक। इसके अलावा ब्रिटेन की स्पेस एजेंसी को किस नाम से बुलाया जाता है, तो ब्रिटेन की स्पेस एजेंसी को UKSA यानी कि यूनाइटेड किंगडम स्पेस एजेंसी या फिर एडमिनिस्ट्रेशन। ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट जो
कंट्रीज की स्पेस एजेंसीज हैं उसके बारे में आप नाम याद रखेंगे, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन जो है कभी ना कभी पूछा गया है, तो हो सकता है पूछ दिया जाए। ठीक, चलिए अगला जो टॉपिक है वो है हमारा एक नौसेना अभ्यास जिसका नाम है इंद्र नौसेना अभ्यास 2021। इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी यहां से क्वेश्चन पूछा गया और पूछे जाने की संभावना भी बनी रहती है। तो ये अभ्यास कब से कब तक आयोजित किया गया, सबसे पहले तो डेट याद रखिएगा 28 और 29 जुलाई 2021। कौन सा यह संस्करण था इंद्र अभ्यास का, तो यह 12वां संस्करण था, यह भी याद रखिएगा। कौन कौन से देश के बीच में इसका आयोजन किया जाता है, तो भारत और रूस की नौ सैनिकों के बीच जो है इसका आयोजन किया जाता है। स्थान कौन सा था 2021 में जो इसका आयोजन हुआ, कहां हुआ, तो ये बाल्टिक सागर में हुआ। बाल्टिक सागर के बारे में भी हम आगे देखते हैं। अब दो देशों के बीच में इसका आयोजन किया जाता है, तो ये क्या ये प्रतिवर्ष किया जाता है, नहीं, यह एक द्विवार्षिक आयोजन है, यानी कि दो वर्षों में एक बार किया जाता है। पहली बार कब किया गया था, यानी कि शुरुआत कब हुआ इसका, तो 2003 में हुआ। तो बाल्टिक सागर कहां है, तो ये इसका लोकेशन है बाल्टिक सागर का। यहां पर देख लो, उत्तरी यूरोप का एक सागर है जो लगभग सभी ओर जो है लैंडलॉक एक सागर है, यानी कि सभी ओर इसके जमीन ही जमीन है। इसके उत्तर में क्या क्या आता है, तो स्वीडन आता है, उत्तर पूर्व में फिनलैंड आता है, पूर्व में एस्टोनिया आता है, लिथुआनिया आता है, इसके अलावा दक्षिण में पोलैंड तथा दक्षिण पश्चिम में जर्मनी आता है। ये इसके आसपास की जो कंट्रीज हैं इसके बारे में भी आप याद रखिएगा, यहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए बाल्टिक सागर का लोकेशन जरूर याद रखिएगा। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है ये है इंटरनेशनल टाइगर डे के बारे में। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनती है, कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो इंटरनेशनल टाइगर डे प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही बनता है। तो इंटरनेशनल टाइगर डे प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। इस वर्ष का थीम याद रखिएगा, द सर्वाइवर इज इन आवर हैंड्स, यानी कि इनका जो सर्वाइवल है वो हमारे हाथों में है। ठीक, वर्ष 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में जो है टाइगर समिट में पहला विश्व बाघ दिवस मनाया गया था। अब इससे रिलेटेड यहां पर आपको कुछ और पॉइंट्स को भी ध्यान में रखना होगा। जैसे हम इंसानों का जनगणना होता है, वैसे बाघों का भी जनगणना भारत सरकार द्वारा किया जाता है प्रत्येक 4 सालों में। क्लियर है, सबसे पहला जनगणना कब हुआ था 2006 में, जब भारत में बाघों की संख्या कितनी थी 1411। भारत में बाघों की संख्या भी जो रिसेंट का रिपोर्ट है उसके आधार पे आपको रखना होगा, क्योंकि यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 4 सालों में बाघों की जनगणना होती है और पहला जनगणना 2006 में हुआ था, और इस जनगणना यानी कि इस रिपोर्ट जो 4 साल में रिलीज होती है इसका नाम भी आपको याद रखना है, ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट, इसे भी आप याद रखिएगा, ये इस रिपोर्ट का नाम है। अब वर्तमान समय में 2018 में यह रिपोर्ट रिलीज किया गया था, जिसके अनुसार बाघों की जो संख्या है भारत में जब से यह रिपोर्ट रिलीज हो रही है तब से सबसे ज्यादा है, यानी कि 2967 जो है वो अभी वर्तमान समय में भारत में बाघों की संख्या है। और सबसे ज्यादा बाघ भारत में कौन से राज्य में पाए जाते हैं ये भी याद रखिएगा, तो इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा बाघ जो है वो आपके मध्य प्रदेश में है 526, इसके बाद कर्नाटक में है 524, इस बात को भी आपको यहां पर ध्यान रखना होगा। चलिए आगे बढ़े, अगला टॉपिक है, दो स्थान है, एक है आपका गुजरात का धोलावीरा और एक है तमिलनाडु का एक मंदिर। इन दोनों को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है, यानी कि उसमें शामिल किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, यहां से आपसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना इस वर्ष ज्यादा बढ़ जाती है। तो सबसे पहले धोलावीरा के बारे में जानते हैं। 27 जुलाई को धोलावीरा यानी कि एक हड़प्पा का शहर है जो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया है और यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया जाने वाला भारत का 40वां स्थान बन गया है। यानी कि अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है कि वर्तमान समय में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत के कुल कितने स्थान शामिल हैं, तो इससे पहले अगर पूछा जाता 2020 तक तो 38 होता, लेकिन अब 40 हो गए हैं। और इस साइट को प्रतिष्ठित सूची में शामिल करने का निर्णय कहां लिया गया, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हालांकि कम चांसेस हैं लेकिन फिर भी याद रखिएगा। तो चीन में 44वां जो है यूनेस्को विश्व विरासत समिति की बैठक हुई, वही ये फैसला लिया गया है। एडिशनल इंफॉर्मेशन, वो तो हो गया पहला स्थान यानी कि धोलावीरा को
जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया। दूसरा जो स्थान है यह है रामप्पा मंदिर जो कि तेलंगाना में स्थित है, इसे भी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। तो सबसे पहले यहां पर हम धोलावीरा के बारे में देखते हैं, उसके बाद रामप्पा मंदिर के बारे में देखेंगे। यह शहर जो है 1968 में खोजा गया था, यानी कि हाल फिलहाल में आप इसे समझ सकते हो, और यह गुजरात राज्य के कच्छ जिले में कच्छ के ग्रेट रण में खादिर द्वीप पर स्थित है। खासकर ये खादिर द्वीप के बारे में स्थित याद रखिएगा, राज्य के बारे में याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। धोलावीरा शहर जो है सिंधु घाटी सभ्यता का पांचवा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल माना जाता है। यह शहर जो है लगभग 3000 ईसा पूर्व का है, ऐसा वैज्ञानिकों का दावा है। ठीक, अगले पॉइंट पे हम यहां पर रुद्रेश्वर मंदिर यानी कि रामप्पा मंदिर के बारे में भी जान लेते हैं। इसे रुद्रेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। 1213 ईस्वी में काकतीय साम्राज्य के शासनकाल में रुद्रेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया था, और इस मंदिर का निर्माण जो है काकतीय राजा कौन थे उस समय, जो गणपति देव थे, इनके सेनापति रेचा रल्ला रुद्र ने इसका निर्माण करवाया था, और रामलिंगेश्वर स्वामी इस मंदिर के पीठासीन देवता हुआ करते थे। और इस मंदिर को रामप्पा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जैसे हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। और इसका नाम जो है, इस मंदिर का नाम मूर्तिकार के नाम पर रखा गया है, जिन्हें 40 वर्षों तक इस मंदिर में काम किया गया था, यानी कि इनके यहाँ का जो काम करने वाले जो पुजारी थे, इन्हीं के नाम पे इस मंदिर का नाम रखा गया है। तो इसे भी जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। अब यहां पर आपको कुछ पॉइंट्स यूनेस्को के बारे में भी ध्यान रखना चाहिए। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। इसका हेडक्वार्टर कहां है, तो इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। कब इसे एस्टैब्लिश किया गया, तो इसे एस्टैब्लिश किया गया 1945 में। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है, ये भी वन डे एग्जाम के लिए, इनके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज। ये अपने आप का पहला इंस्टीट्यूट होगा, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज। इसे कहां खोला जा रहा है, यानी कि इसे कहां स्थापित किया जा रहा है, तो इस हेरिटेज को भारत सरकार द्वारा नोएडा में, उत्तर प्रदेश का नोएडा में स्थापित किया जा रहा है। अपनी तरफ का ये पहली संस्था होगा, और इसका काम क्या होगा, तो यह देश के समृद्ध विरासत पर ध्यान केंद्रित करेगा, यानी कि हेरिटेज से रिलेटेड वहां पर बहुत सारे कोर्सेज होंगे, भारत के इतिहास को संवारने की कोशिश की जाएगी, अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाएगा, अलग अलग जो है वहां पर कोर्सेज होंगे। तो ये अपने आप में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज जो है वो अपने आप में पहला इंस्टीट्यूट होगा, जिसे एस्टैब्लिश कहां किया जा रहा है, नोएडा में। बस इतने पॉइंट्स को याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन सिर्फ इतना ही पूछा जा सकता है कि भारत का पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज नाम की संस्था कहां एस्टैब्लिश किया जा रहा है, तो उसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश के कहां, नोएडा में। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है, प्रोजेक्ट 75 इंडिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट 75 किससे संबंधित है, कुछ ऑप्शन आपके सामने दिए जा सकते हैं, उस ऑप्शन को में से आपको सही जवाब चुनना होगा। तो चलिए देखते हैं प्रोजेक्ट 75 इंडिया है क्या। तो प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत भारत सरकार 6 पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों का निर्माण करने हेतु 50,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। यानी कि पनडुब्बियों के निर्माण के लिए या फिर नौसेना के जहाज के निर्माण के लिए प्रोजेक्ट 75 को लॉन्च किया गया है, और इसके तहत हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 50,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है, ताकि प्रोजेक्ट 75 के तहत डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों का निर्माण किया जा सके। और कितने पनडुब्बियों का निर्माण किया जाना है, तो 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जाना है, और यह पनडुब्बी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों से बड़ी होंगी। स्कॉर्पियन श्रेणी के बारे में हम डिस्कस करते हैं, जिन्हें कहां बनाया जाएगा, तो मझगांव डॉक यार्ड लिमिटेड में बनाया जाएगा। अगर हम 2020 में भी आपने करंट अफेयर्स पढ़ा होगा, तो स्कॉर्पियन श्रेणी का नाम आपने कभी न कभी जरूर सुना होगा। स्कॉर्पियन श्रेणी प्रोजेक्ट 75 के तहत ही स्कॉर्पियन श्रेणी को भी लॉन्च किया गया था, जिसके तहत भी पनडुब्बियों का निर्माण किया गया था, जिसमें 6 पनडुब्बी को निर्माण किया जाना था, जिसमें से 5 पनडुब्बियों का निर्माण हो चुका है, 1 पनडुब्बी बचा हुआ है। और 5 पनडुब्बियों का नाम किस प्रकार से है, तो पहला पनडुब्बी 2017 में स्कॉर्पियन श्रेणी के तहत इसे निर्मित किया गया था, नाम क्या था, तो नाम था INS कलवरी।
2017 में ये पहला पनडुब्बी जो है स्कॉर्पियन श्रेणी प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पियन श्रेणी चलाया जा रहा था। स्कॉर्पियन श्रेणी का ये पहला पनडुब्बी था। दूसरा था आईएनएस खंडारी, तीसरा था आईएनएस करंज, चौथा आईएनएस वेला और पांचवा आईएनएस वगीर, जिसे कि 2020 में ही मिशन किया गया है। एक पनडुब्बी और इस श्रेणी के तहत बचा हुआ है। तो प्रोजेक्ट 75 के तहत खास याद रखिएगा कि इसके तहत भारत अपना इंटरनल सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए पनडुब्बियों और जहाजों का निर्माण कर रहा है, जो कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किया गया प्रोजेक्ट 75 एक नौसैनिक के लिए। ठीक, प्रोजेक्ट 75 से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स देख लीजिए। यह सबसे बड़ी मेक इन इंडिया परियोजनाओं में से एक है, यानी कि मेक इन इंडिया के तहत जितने भी प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं उसमें से सबसे बड़ी इसे आप कह सकते हो। और यह हिंद प्रशांत क्षेत्र में रक्षा और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है। हिंद प्रशांत क्षेत्र यानी कि जो साउथ चाइना सी का वहां पर बढ़ता जा रहा है इंडियन ओशियन में जिस हिसाब से दखल, इसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि भारत की नौसैनिक भी मजबूत हो और भारत की सुरक्षा भी बहुत बेहतर तरीके से कर सके। ठीक, चलिए आगे बढ़े। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है, लुइस हैमिल्टन ने फॉर्मूला 1 ब्रिटिश ग्रां प्री जीती है। फॉर्मूला 1 रेस कार के बारे में आप जानते हो। भारत में सबसे पहला फॉर्मूला 1 का रेस कहां हुआ था? तो भारत में सिर्फ एक ट्रैक है फॉर्मूला 1 रेस का, जो कि नोएडा में स्थापित किया गया है, और वहां सिर्फ एक बार ही रेस हुआ है। वो आई थिंक 2008 या 2012 में हुआ था, मुझे कंफर्म नहीं है। लेकिन अभी हम ये फॉर्मूला 1 रेस ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स के बारे में जान रहे हैं। तो 18 जुलाई 2021 को यूनाइटेड किंगडम के लुइस हैमिल्टन ने रिकॉर्ड 8वीं बार सिल्वर स्टोन में फॉर्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीती है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है फॉर्मूला 1 से रिलेटेड, इसलिए आप लुइस हैमिल्टन का नाम याद रखिएगा। इन्होंने ब्रिटेन ग्रैंड प्रिक्स जो है वो हाल ही में जीता है। 7 बार वर्ल्ड चैंपियन जीतने वाले हैमिल्टन कैरियर की यह 99वीं जीत है टोटल। और ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स एक मोटर रेस है जो कि यूनाइटेड किंगडम में आयोजित की जाती है। इस रेस का आयोजन रॉयल ऑटोमोबाइल क्लब द्वारा किया जाता है। इस तरह से आपने देखा भी होगा कई बार टीवी में भी, या फिर आप इस रेस को भी एंजॉय किए होंगे। इस तरह से कार होता है छोटा सा, और इसमें जो है रेस किया जाता है। ठीक, इसके लिए खास एक ट्रैक का निर्माण किया जाता है। चलिए, यह भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार आपने सुना होगा। इस पे बहुत ज्यादा हलचल भी हुआ था, बहुत विवाद भी हुआ था, संसद से लेकर रोड तक आपको सुनाई दिया होगा, पेगासस स्पाईवेयर के बारे में। यानी कि बात समझ गए होंगे कि किस बारे में ये टॉपिक है, लेकिन जितनी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके परीक्षा से रिलेटेड वहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हाल ही में एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि भारत के कुछ मिनिस्टर्स, कुछ अपोजिशंस के लीडर, कुछ जर्नलिस्ट और कुछ ऑफिसर्स को वैज्ञानिकों की निगरानी रखने के लिए और कुछ ऑफिसर्स पर इस पेगासस स्पाईवेयर से जासूसी किया गया है, जो कि बहुत विवाद भी हुआ था इससे इसको लेकर। तो लीक हुए डेटाबेस में दुनिया के लगभग 50,000 से अधिक लोगों का फोन नंबर था। तो हमें यह जानना है कि आखिर यह पेगासस स्पाईवेयर है क्या, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पेगासस एक इजराइल की कंपनी है जिसका नाम है एनएसओ ग्रुप। ये दुनिया भर को पेगासस स्पाईवेयर जो है वो मुहैया कराता है ताकि वो सिक्योरिटी से रिलेटेड कार्य कर सके। जैसे भारत में रॉ हो गया, इसके अलावा जितने भी सिक्योरिटी से रिलेटेड जो एजेंसियां कार्य करती हैं उनको यह सॉफ्टवेयर मुहैया कराया जाता है ताकि वो लोगों की जासूसी करके, या आतंकवादियों का जासूसी करके जो देश के दुश्मन है उनका जासूसी करके उनका जो है अपने देश की रक्षा कर सके। ठीक, तो पेगासस के बारे में आपसे पूछा जा सकता है इसे किसके द्वारा बनाया गया है, तो एनएसओ ग्रुप के द्वारा बनाया गया। कौन से देश में इसका निर्माण किया गया, तो इजरायली कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और स्पाईवेयर का इस्तेमाल जो है आईओएस और एंड्रॉइड सिस्टम पर चलने वाले जो फोन होते हैं उसका जासूसी करने के लिए किया जाता है, यानी कि आपका नंबर हैक किया जा सकता है, आपको ट्रैक किया जा सकता है स्पाईवेयर के माध्यम से। तो इतने रिलेटेड जो पॉइंट्स है, कहां बनाया गया है, कौन सी कंपनी के द्वारा बनाया गया है, किस क्षेत्र के लिए वो कार्य करता है, तो इतने पॉइंट्स को आपको याद रखना है। पीयूष गोयल जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, इन्हें हाल ही में राज्यसभा के सदन का नेता बनाया गया है। तो इस रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप यहां पर ध्यान रखिएगा। पीयूष गोयल राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में थावरचंद गहलोत की इन्होंने जगह लिया है। थावरचंद गहलोत की जगह क्यों? क्योंकि थावरचंद गहलोत को जो है कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है, इसलिए अब राज्यसभा में सदन का नेता जो है वो पीयूष गोयल है। सदन का नेता जो है राज्यसभा में बहुमत दल का, जिसके पास में बहुमत होता है
उसी दल का नेता होता है और संसदीय अध्यक्ष भी होता है राज्यसभा का। सदन के नेता का कार्यकाल संविधान में निहित नहीं है, लेकिन राज्यसभा के नियमों के तहत जो है उस सदन का नेता उनको चुना जाता है। तो सदन का नेता किन्हें नियुक्त किया गया है, इतने पॉइंट को आप याद रखिएगा बस। ठीक, चलिए इसके बाद जो अगला टॉपिक है, एनटीपीसी कच्छ के रण में भारत का सबसे बड़ा सौर प्लांट स्टैब्लिश करने जा रहा है, जो कि टोटल कितना पावर का होगा, तो ये होगा 4.75 गीगावाट का। ये भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क होने वाला है और इस सोलर पार्क के लिए एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को अल्ट्रा मेगा नवीनीकरण ऊर्जा पावर पार्क योजना के तहत इस परियोजना के लिए न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री की तरफ से अप्रूवल दे दिया गया है। कि याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि भारत में सबसे बड़ा और सबसे अधिक क्षमता वाला सोलर पार्क कहां स्थापित किया जा रहा है, तो गुजरात के कच्छ के रण में इसे स्टैब्लिश किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स आपको ये और भी याद रखना होगा, जैसे एनटीपीसी, एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। इसे स्टैब्लिश कब किया गया है, तो इसे स्टैब्लिश किया गया 1975 में। देश में जितना भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है उसमें सबसे बड़ा योगदान जो है वो एनटीपीसी का होता है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, तो हेडक्वार्टर है इसका दिल्ली में। क्लियर है। और एक बात और याद रखिएगा कि 2010 में एनटीपीसी को महारत्न कंपनी का जो है वो दर्जा दिया गया था। इसके अलावा आपको कुछ बातें और भी याद रखनी होंगी, जैसे अल्ट्रा मेगा नवीनीकरणीय ऊर्जा पार्क योजना क्या है। तो इस पार्क को रिन्यूएबल एनर्जीज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014 में अल्ट्रा मेगा नवीनीकरण ऊर्जा पावर पार्क योजना को शुरू किया गया था। कौन से मंत्रालय के तहत, तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया था। कुछ टारगेट्स भी आपको याद रखना होगा, जैसे पहला टारगेट है 2022 तक, भारत सरकार द्वारा ये कहा गया है कि 2022 तक 100 गीगावाट का जो है वो सोलर एनर्जी प्रोड्यूस किया जाएगा। मैं यहां पर रिन्यूएबल एनर्जी की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ सोलर एनर्जी की बात कर रहा हूं। तो 2022 तक 100 गीगावाट सोलर एनर्जी प्रोड्यूस किया जाएगा, ऐसा भारत सरकार का दावा है। और 2022 तक ही 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस किया जाएगा, जिसमें विंड एनर्जी भी शामिल हो जाता है, हाइड्रो एनर्जी भी शामिल हो जाता है। तो टोटल जो रिन्यूएबल एनर्जी है 2022 तक ही 175 गीगावाट प्रोड्यूस करने का लक्ष्य रखा गया है। एक बात और यहां पर आ जाता है कि जैसे एनटीपीसी द्वारा गुजरात के कच्छ में सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट जो है वो स्टैब्लिश किया जाएगा, लेकिन अभी सबसे बड़ा जो कार्यरत सोलर प्लांट है, सबसे बड़ा, वो भारत के कौन से राज्य में स्थित है, तो वो आपका राजस्थान में स्थित है। नाम है भदला सोलर पार्क, जो कि 2055 मेगावाट का है, यानी कि 2.5 गीगावाट का। क्लियर। चलिए आगे बढ़े। अगला टॉपिक है, गांधीनगर में रेलवे ट्रैक के ऊपर बनाया गया है भारत का 5-स्टार होटल, और ये भारत का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन है जिसके ऊपर 5-स्टार होटल का निर्माण किया गया है। प्रीलिम्स के लिए बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, कहां निर्माण किया गया है बस इसके बारे में याद रखिएगा। तो 16 जुलाई को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही इसका उद्घाटन किया गया है, और 2017 में भारतीय रेलवे पुनर्विकास निगम द्वारा इसका निर्माण जो है शुरू किया गया था। इस होटल में जो है वो 7400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और 790 करोड़ रुपए की लागत से इसे बनाया गया है। तो बस आपको ये याद रखना है कि कौन से शहर में, कौन से रेलवे स्टेशन के ऊपर में भारत का पहला 5-स्टार होटल का निर्माण किया गया है। अगला टॉपिक याद रखिएगा, नोवाक जोकोविच ने जीता है विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप खिताब 2021। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इसीलिए ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं, नोवाक जोकोविच ने अपना 6वां जो ग्रैंड स्लैम है विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप का खिताब 2021 जीत लिया है, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार जो है कोविड-19 की वजह से किसी साल विंबलडन रोका गया है 2020 में, पहला गैप था ये, और 2020 में चैंपियनशिप टूर्नामेंट रद्द कर दिया गया था। इससे पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय ही इसे रोका गया था, और इस टूर्नामेंट में की शुरुआत कब हुई, 28 जुलाई 2021 को हुआ, और जिसका फाइनल 11 जुलाई को खेला गया। यहां पर
सारे विजेताओं का नाम है। पुरुष एकल में किसने जीता, महिला एकल में किसने जीता, पुरुष युगल में किसने जीता, महिला युगल में किसने जीता यानी कि डबल में, और मिश्रित युगल में किसने जीता। तो ये टेबल आप जब पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे तो अलग से स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। अब यहां पर ये भी आपको पता होना चाहिए ग्रैंड स्लैम के बारे में, ठीक। अब विंबलडन जो है चैंपियनशिप दुनिया भर में खेला जाने वाला सबसे पुराना टेनिस खिलाड़ी टेनिस खेल माना जाता है विंबलडन, और यह एक ऐसा ग्रैंड स्लैम है जो किसी सरफेस पे नहीं घास पे खेला जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। और इसके अलावा चार ग्रैंड स्लैम जो है ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन और विंबलडन, ये चार प्रकार के ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं। चारों ग्रैंड स्लैम का नाम आप याद रखिएगा, इससे पहले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया है। अब सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है, तो पहले नंबर पे है रोजर फेडरर जिन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। पहले नंबर पे ही है राफेल नडाल, इन्होंने भी टोटल 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, और नोवाक जोकोविच, इन्होंने भी 20 ग्रैंड स्लैम जीता है। तो तीनों में जो समानता है 20-20 ग्रैंड स्लैम जीतने का, इस बात को भी आप याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़े, अगला टॉपिक है इटली ने यूरो कप 2020 जीता है। इटली की फुटबॉल टीम ने यूरो 2020 का खिताब जीता और फाइनल में इटली ने इंग्लैंड को हराया। यूरो कप फीफा के बाद जो सबसे प्रतिष्ठित फुटबॉल का टूर्नामेंट माना जाता है वो है आपका यूरो कप, और इस प्रतियोगिता का आयोजन 11 जून से 11 जुलाई 2021 तक किया गया, और इसका आयोजन 11 देशों में 11 शहरों में किया गया, यानी कि यूरोपीय कंट्रीज द्वारा आयोजित किया जाने वाला यह फुटबॉल का सबसे बड़ा गेम है और फीफा के बाद दूसरा सबसे प्रतिष्ठित गेम टूर्नामेंट जो है वो यूरो कप को माना जाता है। यूरो कप के संबंधित यहाँ पर रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं। यूरो को यूएफए यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप भी कहा जाता है। ये यूरोप में आयोजित होने वाला प्रमुख खेल प्रतियोगिता है। इसका आयोजन 4 साल में एक बार किया जाता है जैसे फीफा का आयोजन किया जाता है, और इसकी शुरुआत 1958 में हुआ था, ठीक। चलिए अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। न्यू पॉलिसी लॉन्च किया गया है पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, और इस पर एक बिल भी तैयार किया गया है। कौन से राज्य सरकार की तरफ से, तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की तरफ से जनसंख्या नियंत्रण पर एक नई पॉलिसी लाई गई है, और इसके लिए एक बिल भी तैयार किया गया है, और इस पॉलिसी का नाम है जनसंख्या नीति 2021-30। इस नीति में 5 प्रमुख लक्ष्य रखा गया है, और 5 प्रमुख लक्ष्य किस प्रकार से है, तो मातृ मृत्यु दर और बीमारियों को समाप्त करना, दूसरा है इलाज योग्य शिशु मृत्यु दर को समाप्त करना, उसका पोषण स्तर में भी सुधार करना और सुनिश्चित करना, युवाओं के बीच यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां सुनिश्चित करना, उन्हें सुविधाएं पहुंचाना और उनकी देखभाल करने, और जनसंख्या नियंत्रण। इसके बाद इसमें और आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश सरकार के विधि आयोग ने इसके लिए एक बिल भी तैयार किया है, और इस मसौदे के अनुसार यानी कि जो ड्राफ्ट तैयार किया गया या जो बिल तैयार किया गया उसके अनुसार जनसंख्या नीति जो नियंत्रण कानून बनाया गया, अगर इसका उल्लंघन करते हैं तो चुनाव लड़ने पर रोका जा सकता है। इसके अलावा सरकार की तरफ से जो सब्सिडीज दिया जाता है, जो ऑफिसर्स को प्रमोशन दिए जाते हैं, फिर जो स्टाफ को प्रमोशन दिए जाते हैं, उसे भी रोका जा सकता है। और इस टॉपिक पर भी जब यह ड्राफ्ट तैयार किया गया था या फिर जब यह बिल तैयार किया गया था तो बहुत विवाद हुआ था पूरे देश भर में भी। तो आपको इस राय पर क्या कहना है, आप भी अपना कमेंट जरूर कीजिएगा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून अगर लाया जाता है या फिर ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, पॉलिसी तैयार किया जाता है, तो उसके प्रोविजंस पे आपको क्या कहना है। अगर अभी आप देखोगे तो टोटल हम जब वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करते हैं तो पूरी दुनिया की जनसंख्या कितनी है अभी वर्तमान समय में, तो ये है आपका 7.7 बिलियन। यूनाइटेड नेशन की तरफ से ये कहा जाता है कि 2030 तक जो पूरी दुनिया की जनसंख्या होगी वो आपका 8.8 बिलियन पे पहुंच जाएगा। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि 2050 तक दुनिया की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, दुनिया की जनसंख्या जो है वो 9.7 बिलियन पहुंच जाएगा, और 2100 तक आते आते जो पूरी दुनिया की जनसंख्या है वो 10.9 बिलियन तक पहुंच जाएगा। भारत की जनसंख्या भी ऐसा कहा जाता है कि भारत की जो जनसंख्या है वो 150 करोड़ तक पहुंच गई है, और 2030 तक दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश जो है वो भारत होगा, यानी कि चीन को पछाड़कर। तो जनसंख्या नियंत्रण पर अगर सरकार द्वारा कोई पॉलिसी लाया जाता है या फिर सरकार द्वारा कोई कानून लाया जाता है
तो इस पर आपके क्या विचार हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर कोई जनसंख्या नियंत्रण कानून को नहीं मानता है, अगर उसे मनाने के लिए सरकार द्वारा इस तरह से ठोस कदम उठाए जाते हैं तो इस पर आपकी क्या राय है, इस पर भी आप जरूर दीजिएगा। और अपना आपकी जो राय है वो राजनीतिक नहीं होना चाहिए, जो सही है और आपके हिसाब से इस देश के हित में आपके जो भी विचार होंगे उसे नीचे कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताइएगा। चलिए इसके बाद जो अगला टॉपिक है, एक अलग से मंत्रालय का गठन किया गया है जिसकी घोषणा इसी साल के बजट में किया गया था और अब फाइनली इस मंत्रालय का गठन कर दिया गया है। यह है सहकारिता मंत्रालय और इस मंत्रालय के अभी हाल ही में जो मंत्री बनाए गए हैं, यानी कि एक कह सकते हो कि अतिरिक्त कार्यभार उन्हें दिया गया है अमित शाह को, जो कि अभी हमारे देश के गृह मंत्री हैं। ठीक, सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया है और इसकी घोषणा जो है वर्ष 2021 के बजट में किया गया था और देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के उद्देश्य और अलग अलग प्रशासनिक कानूनी और नीति ढांचों को मजबूत करने के उद्देश्य एक अलग से मंत्रालय का जो है वो गठन किया गया है। और इस मंत्रालय का नाम क्या है, इस मंत्रालय का नाम है सहकारिता मंत्रालय। अच्छा, यहां पर एक बात और बताओ, सहकारिता का मतलब क्या होता है? सहकारिता का मतलब एक आप एजेंसी के रूप में ले सकते हो, यूनियन के रूप में ले सकते हो, एसोसिएशन के रूप में ले सकते हो, यानी कि एक गुट के रूप में ले सकते हो। जैसे सहकारिता बैंक आप देखते हो, ग्रामीण किसानों के लिए सहकारिता शुरू किया जाता है। तो सहकारिता का जो मेन उद्देश्य है वो कृषि के विकास के बाधाओं को दूर करना है, नौकरशाहों का जो बुराई होता है, उनकी जो पॉलिसीज गलत होती हैं उनके खिलाफ कार्य करना होता है, या जो लघु उद्योग है या कुटीर उद्योग है उनके विकास के लिए कार्य करना होता है। ये सहकारिता का जो है वो मूल उद्देश्य है। और एक आपको पता होगा कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस भी मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। ये कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस? तो जुलाई के महीने में जो पहला शनिवार होता है, फर्स्ट शनिवार जो होता है, इस दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। ठीक, तो इसके बारे में भी याद रखिएगा, एक अलग से मंत्रालय का गठन किया गया है, उस मंत्रालय का क्या नाम है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको नाम याद होना चाहिए, क्या? सहकारिता मंत्रालय। महान अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया है, ये 98 वर्ष के थे। इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखना है। दिलीप कुमार का जो वास्तविक नाम था वो मोहम्मद यूसुफ खान था। उनका जन्म 11 दिसंबर 2022 को ब्रिटिश भारत के पेशावर में हुआ था। 1922। दिलीप कुमार ने अपना हिंदी डेब्यू कौन सी मूवी से किया था, तो 1944 में फिल्म ज्वारभाटा था। विभिन्न फिल्मों में दिलीप कुमार ने चित्र में उन्हें ट्रेजेडी किंग के नाम से भी जाना जाता रहा है। इसके अलावा दिलीप कुमार को कई भारत सरकार की तरफ से सम्मानित भी किया गया है, जैसे पद्म भूषण भी इन्हें दिया गया है, पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। तो दिलीप कुमार से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको यहां पर ध्यान रखना होगा, ताकि आपसे परीक्षा में अगर प्रश्न पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो आज के इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम अपना वीकली सेशन जो है हमारा, हम उसे वापस से रिज्यूम कर रहे हैं और इसी महीने से कर रहे हैं। तो पहला वीडियो आपको वीकली सेशन का 2-3 दिनों में मिलेगा। इसके बाद अगस्त वाला जो बच जाता है उसे हम जल्द ही कवर करने की कोशिश करेंगे। PDF जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। और किसी भी तरह से कोई डाउट, शंका या कुछ भी हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।